वन्य जीव संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा उत्तराखंड वन्य जीवों के हमले से भी त्रस्त है। आए दिन इनके हमलों की घटनाएं सुर्खियां बनती रही है। अब जब बरसात आने वाला है तो चिंता के बादल अधिक गहराने लगे, क्योंकि अब तक के अनुभव बताते हैं कि बरसात के दिनों में वन्य जीवों के हमलों की घटनाएं बढ़ जाती है। वन विभाग के द्वारा इस बार वन्य जीवों के हमले को रोकने के लिए पहले से तैयारियां शुरू कर दी गई है, ताकि आने वाले समय में वन्य जीव हमले से मानव जीवन को बचाया जा सके। इसके साथ ही विभाग के द्वारा 1800890715 टोल फ्री नंबर भी जारी किया, जिस पर कभी भी लोग अपनी शिकायत और समस्या दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ ही वन विभाग के द्वारा लोगों से अपील भी की गई है कि अपने घर के आसपास साफ सफाई और लाइटिंग का पूरा प्रबंध रखें। मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं का, उससे ये स्पष्ट होता है कि वर्षा काल के जो महीने हैं वो ऐसी घटनाओं की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है, और इसलिए हमने इस बार इसके लिए पूरी तैयारी करने का प्रयास किया है। पिछले वित्तीय वर्ष में नए उपकरणों के लिए, जिसमें ट्रैंक्विलाइजिंग गन से लेके कैमरा ट्रैप से लेके एनाइडर से लेके रेस्क्यू किट इत्यादि क्रय किए जाने थे, उसके लिए 10 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सभी प्रभागों को उपलब्ध कराई गई है। हमने प्रभागों को निर्देशित किया है कि जो उपकरण, और उसमें लाइट वेट केजेस भी सम्मिलित हैं, जो उपकरण क्रय किए गए हैं उनको समय से फील्ड की इकाइयों यानी रेंज कार्यालय तक उपलब्ध करा दिया जाए, और साथ ही उसको उपयोग करने का प्रशिक्षण भी संबंधित कर्मियों को समय रहते उपलब्ध करा दिया जाए। ये देखा गया है कि उत्तराखंड में मानव मृत्यु की सबसे ज़्यादा घटनाएं सांप काटने से होती हैं, और उसके लिए जो मुख्य रूप से जो वन प्रभाग हैं जहाँ ये घटनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं उनको चिन्हित किया गया है। उनको भी निर्देशित किया गया है कि इसके लिए विशेष तैयारी करें। सांपों को पकड़ने के लिए जो टीमें बनाई गई हैं उसके लिए दिशा निर्देश अलग से जारी किए गए हैं कि किस प्रकार उनको गठित किया जाएगा, उनको क्या उपकरण दिए जाएंगे, किस प्रकार उनका पंजीकरण किया जाएगा, और साथ ही ये अपेक्षा की गई है कि हमारे संवेदनशील वन प्रभागों के प्रमुख स्थानों पर जो एंटीवेनम दवा होती है वो उपलब्ध कराया जाए, जिससे समय पड़ने पर हमारे वन कर्मियों को और साथ ही साथ आकस्मिकता की स्थिति में जन सामान्य को भी तत्काल एक डोज कम से कम दवा की मिल जाए, जिससे कि उनके प्राणों की रक्षा हो सके। तो ये प्रमुख रूप से जो है कार्रवाई हमने पहले से करने का प्रयास किया है। इसके अलावे जिन क्षेत्रों में गुलदार का प्रभाव रहता है वहाँ झाड़ी कटान का काम कराया जाए, वहाँ स्थानीय समुदायों के साथ बैठकें करके उनको भी इसके विषय में जागरूक किया जाए। आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में एक हेल्पलाइन नंबर स्थापित किया गया है, और मैं आपके माध्यम से पुनः प्रदेश की जनता से अनुरोध करूँगा कि किसी भी स्थान पर अगर कभी भी किसी वन्य जीव की उपस्थिति की जानकारी होती है तो अवश्य इसके बारे में वो जानकारी दें। मैं हेल्पलाइन नंबर आपको बताना चाहूँगा, 1800-890-9715, 1800-890-9715 ये टोल फ्री नंबर है। ये 24 घंटे सातों दिन 365 दिन कार्यरत रहता है। तो कभी भी अगर आबादी के क्षेत्र में किसी वन्य जीव की उपस्थिति की जानकारी हो तो बिना किसी संकोच के इस नंबर पर सूचित करें। ये मुख्यालय में स्थापित है और यहाँ से ये जानकारी संबंधित वनाधिकारियों को जाती है, जिससे कि वो मौके पे त्वरित रूप से कार्रवाई कर सकें। मैंने पहले भी कहा है, हमारा ये प्रयास है कि ऐसी किसी भी घटना के रोकथाम में हम प्रभावी कार्रवाई करें, तत्काल कार्रवाई करें और साथ साथ संवेदनशील रूप से कार्रवाई करें। लेकिन मैं प्रदेश की सम्मानित जनता का भी इसमें सहयोग अपेक्षित करूँगा कि अपने घरों के आसपास सफाई रखें, घरों के आसपास रोशनी रखें। जहाँ पर बच्चे विशेष रूप से स्कूल जाते हैं या इस तरह के वन क्षेत्रों से लगे हुए इलाकों से जहाँ वो गुजरते हैं तो उनका विशेष ध्यान रखें, अकेला ना छोड़ें उन्हें। और मैं अंत में यही कहूँगा कि डरे नहीं, सतर्क रहें, और हम मिलजुल कर अगर हम सतर्कता दिखाएंगे तो मुझे विश्वास है कि इस प्रकार की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकेगा।